एक ट्रॉफी जिसको पाने के लिए आरसीबी की टीम पिछले 12 साल से मेहनत और बहुत सारी कोशिश कर रही है। अब इसी कोशिश को एक नया अंजाम देने के लिए आरसीबी की टीम ने अपने कोचिंग डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस किए। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, जहां मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आखिर क्या ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है आरसीबी की टीम की तरफ से। तो फिर दोस्तों अगर आप भी आरसीबी के ट्रू फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही मिनटों पहले ये खबर आई है और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आरसीबी ने अपने कोचिंग डिपार्टमेंट में दो लोगों को एड ऑन किया है और इसी के चक्कर में गैरी कर्स्टन सर और आशीष नेहरा दोनों को आरसीबी के कोचिंग डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया गया है। अब आप जानते ही होंगे कि पिछले साल ही गैरी कर्स्टन को आरसीबी का हेड कोच बनाया गया था और आशीष नेहरा तो 2 साल से आरसीबी की टीम से जुड़े हुए थे, लेकिन अब इनकी जगह माइक हेसन और साइमन कैटिच को टीम में शामिल किया गया है। और दोनों के क्या क्या पद हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले अगर हम माइक हेसन की बात करें तो ये पहले न्यूजीलैंड के टीम के भी कोच रह चुके हैं और अब इन्हें आरसीबी की टीम में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन का हेड बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर साइमन कैटिच की बात करें तो अब इनके ऊपर सारी नज़रें रहने वाली है, आरसीबी की टीम की सारी उम्मीदें अब इनसे रहने वाली है क्योंकि साइमन कैटिच को अब आरसीबी की टीम का हेड कोच बना दिया गया है। ये पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं और टेस्ट और वनडे में इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन अब ये देखना रहेगा कि क्या ये आरसीबी की टीम को एक मजबूत टीम बना पाएंगे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस क्या आरसीबी की टीम से ये निकलवा पाएंगे, क्या ये आरसीबी को ट्रॉफी जितवा पाएंगे। तो दोस्तों गैरी कर्स्टन और आशीष नेहरा को तो आरसीबी की टीम ने बाय बाय कह दिया है, लेकिन अब साइमन कैटिच और माइक हेसन के ऊपर सारी नज़रें रहने वाली है। दोस्तों बहुत ही छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी आरसीबी के फैन के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी आरसीबी के फैन हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आरसीबी से रिलेटेड और भी नए न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिल जाए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।